हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर आज हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो निर्यात को जो फाइनेंस करने वाली, आयात विदेशी व्यापार को फाइनेंस करने वाले संस्थान कौन कौन से थे। तो यहाँ पर आज हम देखने जा रहे हैं कि विदेशी व्यापार को जो निर्यात करते हैं उसमें से एग्जिम बैंक एक अलग से है। जो विदेशी व्यापार को वित्त पोषण करती हैं वो एग्जिम बैंक भी है, और एग्जिम बैंक हमारे सिलेबस में अलग से भी दिया है। एग्जिम बैंक को हमको पढ़ना ही पड़ेगा अलग से। तो एग्जिम बैंक आखिर क्या कार्य करता है, इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या हैं। एग्जिम बैंक के नाम से ही आप समझ जाएंगे कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, यानी कि आयात निर्यात बैंक जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ईजीएम का अर्थ ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे ई एक्स से क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट, और आईएम से क्या हो जाएगा, इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, इसका अब नाम ही से आप इसको समझ जाएंगे कि यह आयात निर्यात से संबंधित कार्य करता है। अब क्या कार्य करता है ये आपको जानना जरूरी है। तो इसकी सबसे पहले हम स्थापना के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना की हम बात करते हैं, यहाँ पे स्थापना इसकी बात करें तो वो बेसिक अगर बात करें तो 1981 में एक्ट पारित किया गया, यानी कि आयात निर्यात बैंक पर एक्ट पारित किया गया। ठीक है, पारित किया गया, जिसके बेस पे 1982 में 1 जनवरी 1982 में स्थापना हुई। स्थापना हुई और मार्च 1982 से कार्य करना शुरू कर दिया। तो 1 जनवरी 1982 से इसने क्या किया, कार्य करना शुरू कर दिया। इसका जो कार्यालय है, प्रधान कार्यालय, वो कहाँ है, मुंबई में है। ये सारे यहाँ से कोई भी प्रश्न कभी भी उठा के पूछ सकता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कब से ये कार्य करना शुरू किया, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है। अब इसके उद्देश्य की हम बात करें उसके पहले हम इसकी पूंजी की भी बात कर लेते हैं। पूंजी की, कैपिटल की अगर बात करें तो इसकी जो है 500 करोड़ अधिकृत पूंजी थी स्थापना के समय। 500 करोड़ किया थी इसकी अधिकृत पूंजी थी, जिसे कि क्या किया गया, 1998 में बढ़ाकर 1998 में बढ़ाकर इसी पूंजी को, जो कि 500 करोड़ थी, 1998 में बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी गई। यानी कि आयात निर्यात की बैंक की जो वर्तमान में अधिकृत पूंजी है वो 1000 करोड़ है। कितनी है, 1000 करोड़ है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या करता है कि इसे जो है रिजर्व बैंक से, भारत सरकार से ऋण लेने का अधिकार है, यानी कि रिजर्व बैंक से कभी भी ऋण ले सकता है, भारत सरकार से ऋण ले सकता है, तथा यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी ऋण ले सकता है। तो याद रखिएगा कि यह कहीं से भी ऋण लेने का इसके पास अधिकार है। इसने भारत सरकार से 50 करोड़ का ऋण भी ले रखा है, ऋण लेने का अधिकार है। तो इन्होंने पूरा फायदा उठाया और 50 करोड़ का भारत सरकार से ऋण लिया है, भारत सरकार से
ऋण लिया है। तो याद रखिएगा यहाँ से कभी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब इसमें क्या करते हैं, अब हम बंद हैं, इसका प्रबंध कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट प्रबंध की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे प्रबंध की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो प्रबंध है संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। किसी भी संयुक्त कंपनी का जो है प्रबंध संचालक मंडल द्वारा ही किया जाता है, संचालक मंडल द्वारा इसका प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है, संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें 17 संचालक हो हैं, जिसमें 17 संचालक होते हैं जिसमें कि 17 संचालक होते हैं। अब ये संचालकों में कौन कौन सा होता है, इसमें एक जो है स्थायी प्रबंधक होता है, क्या जो है इसमें क्या होता है कि एक स्थायी जो है प्रबंधक होता है, जिसे प्रबंधक या स्थायी अध्यक्ष आप कह दीजिए, ज़्यादा सुटेबल वर्ड होगा स्थायी अध्यक्ष, इसका एक क्या होता है स्थायी अध्यक्ष होता है, तथा प्रबंध संचालन दोनों प्रबंध पूर्णकालिक, प्रबंध जो होते हैं प्रबंधक तथा संचालक ये दोनों पूर्णकालिक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रबंध संचालक से संबंधित। अब इसमें जो संचालक मंडल में है, संचालक मंडल में कौन कौन आते हैं, भारत सरकार का प्रतिनिधि, भारत सरकार, आरबीआई, आईडीबीआई, वाणिज्यिक बैंक, इन सब की ओर से क्या होते हैं कि ये जो है संचालक मंडल क्या होते हैं नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा निर्यात साख गारंटी हमने पढ़ाई थी, उसके भी एक होते हैं निर्यात साख गारंटी, विदेशी व्यापार के विशेषज्ञ, विशेषज्ञ शामिल होते हैं। तो ये इसका जो है स्थापना हो गया, कार्यालय हो गया, पूंजी प्रबंध, ये यहाँ से क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको आप देख लीजिए क्योंकि ये बेसिक है, इसका आप स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न कभी भी क्या हो सकता है, बन सकता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको आप देख लीजिए। अब हम आगे इसी में बढ़ते हैं अगले कदम की ओर, तो इसके हम उद्देश्य देखते हैं, उसके बाद हम विदेशी उद्देश्य के बाद कार्य देखेंगे, विदेशों में कार्यालय देख लेते हैं पहले, प्रगति देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके उद्देश्य हुआ जो है कार्य देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। अब विदेशों में कार्यालय देख लेते हैं पहले, विदेशों में शाखाएं, अगर हम एक्जिम बैंक के विदेशों में शाखाओं की बात करें तो ये इनकी जो शाखा है वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका, वाशिंगटन यूएसए, वाशिंगटन यानी कि यूएसए में इसकी शाखा है, उसके अलावा सिंगापुर, आइवरी कोस्ट, मलेशिया, वाशिंगटन डीसी, यूएसए, आइवरी कोस्ट, उसके अलावा बात हम करते हैं तो मलेशिया की बात कर लेते हैं, उसके अलावा बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट
या पेस्ट हंगरी की राजधानी है। इतनी जगह पे इनके जो है विदेशी शाखाएं हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जगहों पे है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं, यहीं से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। तो इनके जो है ये विदेशी कार्यालय यहाँ पे शाखाएं स्थित हैं। अब इसकी प्रगति की बात करते हैं, हम एग्जिम बैंक की प्रगति की बात करते हैं, यानी कि स्थापना से आज तक कितनी प्रगति एग्जिम बैंक ने की है ये जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है। तो हम आपको बता दें कि इसकी प्रगति जो है, जब इसकी 1000 रुपये कैपिटल है, आप सभी को पता है अधिकृत पूंजी है। 2008-09 में RBI ने 35,247 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, जिसमें कि क्या है कि तथा 35,007 करोड़ के ऋण वितरित किए। 2005-06 में इसका जो शुद्ध लाभ है वो 271 करोड़ का था। यानी कि 2008-09 की बात करते हैं, 2008-09 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे RBI ने जो इसका डाटा है उसने इसने क्या किया कि RBI ने इनको जो है 35,247 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए। जिसमें से कि इन्होंने 35,007 करोड़ का ऋण वितरित कर दिया। बहुत अच्छा स्कोप था, 35,007 करोड़ का ऋण वितरित कर दिए। ठीक है, तो इनकी जो प्रगति है आप यहाँ से देख सकते हैं। 2005-06 में 271 करोड़ का शुद्ध लाभ यह बैंक ने कमाया था, 271 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी प्रगति क्या थी। अब हम इसकी स्थापना के उद्देश्य देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम इनके कार्य देख लेंगे। तो उद्देश्य देख लेते हैं, उद्देश्य इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है कि आखिर क्यों एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य था, आयातकों तथा निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना, निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना। ठीक है, तो पहला इनका जो काम है, आयातकों तथा निर्यातकों को ये क्या करते हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अब ये क्या करते हैं, उन सभी वित्तीय संस्थाओं में समन्वय स्थापित करते हैं जो आयात निर्यात का कार्य करते हैं। वित्तीय संस्थाओं से समन्वय करना जो आयात निर्यात का कार्य करते हैं, जो आयात निर्यात में वित्त पोषण का कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका जो उद्देश्य है, ये पहला हो गया कि जो आयातकों तथा निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना। उसके अलावा जो है वित्तीय संस्थाओं में क्या होती है, समन्वय स्थापित करती है जो कि ऋण देते हैं। ठीक है, उसके लिए समन्वय स्थापित कर आयात निर्यात के लिए वित्त पोषण का कार्य करते हैं तथा इनसे मिल के क्या करते हैं, ये वित्त जुटाती हैं। या क्या करते हैं, भारत के साथ साथ तीसरे देशों या आप कह सकते हैं इनको तीसरे निर्यातकों या तृतीय विश्व के देशों के आयातकों
निर्यातकों को सहायता देते हैं, को वित्तीय सहायता देते हैं। इसका एक और कार्य जो है विदेशी आयातकों, विदेशी निर्यातकों का मनोबल बढ़ाना, विदेशी व्यापारियों सॉरी विदेशी निर्यातकों का मनोबल बढ़ाना भी है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपकी प्रगति हो गई। एग्जिम बैंक की सॉरी उद्देश्य क्या थे, किस उद्देश्य से इसको स्थापना की गई थी, ये हो गए आपके। अब इनका हम देख लेते हैं एक अंतिम और महत्वपूर्ण टॉपिक कि आखिर कार्य क्या क्या हैं। उद्देश्य तो हो गए लेकिन अब कार्य क्या क्या कर रहा है ये बैंक, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। उद्देश्य तो बहुत कुछ आप निर्धारित कर सकते हैं लेकिन कार्य क्या कर रही, वास्तव में यही इसके जो हैं मेन क्या होते हैं, पर्पज होते हैं। तो इसमें निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना, निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा निर्यात को बढ़ाना और उनके लिए जिनको, देखिए निर्यात किसी भी देश के लिए ज़्यादा निर्यात अच्छी बात होती है। तो निर्यात को सरकार ने यही उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी तथा इनका कार्य ये सौंपा गया था कि निर्यात को बढ़ाने के लिए आप वित्तीय सहायता उपलब्ध कराइए निर्यातकों को, जिससे कि निर्यात को बढ़ाया जा सके देश में। देश में निर्यात बढ़ेगा तो देश में जो है विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा, जो कि किसी भी देश के लिए एक अच्छी स्थिति होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है। अब अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, निर्यातकों के लिए दीर्घकालीन ऋण देना, निर्यात वस्तुओं के उत्पादन हेतु भी दीर्घकालीन ऋण देना, निर्यात वस्तुओं के उद्योगों दीर्घकालीन ऋण देना, ठीक है ना। तो ये पहले निर्यात के लिए भी ऋण देता है लेकिन उसके अलावा इसका एक और प्रमुख कार्य हो जाता है कि वो निर्यातक जो निर्यात वाली वस्तुएं होती हैं, जो उद्योग निर्यात वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं उनको क्या करते हैं, यह दीर्घकालीन ऋण भी देना इनका काम था। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। निर्यात विपणन के लिए ऋण देना, निर्यात विपणन के लिए ऋण देना का क्या मतलब है, इसका मतलब आप समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि जब वो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, हैं व्यापारों का जो है वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वो लोकल मार्केट में ही बेचते हैं जबकि उनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं। तो ये बैंक उनकी मदद करते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनको सहायता देते हैं, उनको वित्तीय सहायता देते हैं कि आप जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी इसको बेचिए, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका इंटरनेशनल मार्केट में चलेगा। तो वह निर्यात विपणन यानी कि निर्यात मार्केटिंग के लिए जो है या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऋण ये प्रदान करती है। तो बड़ी अच्छी बात है कि इस प्रकार की ये काम करती है। पुनः ऋण की सुविधा देना, जैसे क्या करते हैं पुनः ऋण की सुविधा देना, यदि आपने किसी वस्तु पे क्या है ऋण लिया है किसी उद्योग पे और ऋण की मात्रा मान लीजिए कि आपने 50% ही लिया है, पूरी जो उसकी 100% वैल्यू होती है 50% लिया है, आपको फिर से आवश्यकता है तो फिर से ये आपको ऋण देगा। या दूसरे तरीके से ये भी होता है कि बैंक जो है निर्यातकों को ऋण देते हैं और उनके बिल कटौती के लिए बैंकों को भी ऋण देता है, यानी कि जिसे पुनः ऋण या पुनः कटौती करता है तो उन्हें पुनः ऋण की सुविधा होती है। अब देश को जो है देश के निर्यातकों को गारंटी के रूप में सुविधा देना, अब क्या होता है देश के निर्यातकों को
गारंटी के रूप में सुविधा देना। अब देखिए क्या होता है कि निर्यातक होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो है माल जो है विदेशों में बेचा जाए। अब वो बेचते हैं विदेशों में माल बेचते हैं तो क्या होता है कि उनको पैसा फंसने का डर रहता है, क्योंकि सारे व्यापारी पहले पेमेंट नहीं करते हैं, वो बैंक एक साख पे होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि एग्जिम बैंक जो है उनको गारंटी देती है तथा गारंटी के रूप में सुविधाएं भी देती हैं कि जैसे निर्यातकों को कुछ निश्चित सुविधाएं मिलेंगी, इसके बिना निर्यात में कुछ सुविधाओं के बिना जैसे निर्यात में दिक्कत होती है, जैसे उनको लाइसेंस प्राप्त करने में बहुत माथापच्ची होती थी, इन सारी सुविधाओं को जैसे पोर्ट में अनेक माथापच्ची होते थे, इन सारी असुविधाओं के लिए ये क्या करते हैं इनको सुविधा देते हैं कि आपको ये सब असुविधाएँ नहीं होगी, आप निर्यात करिए निसंकोच होकर। तो ये आयात निर्यात बैंक हो गया। जितने भी टॉपिक थे इसके हमने उद्देश्य स्थापना कर लिए थे, प्रबंधक कर लिए थे, पूंजी कर लिए थे, विदेशों में कार्यालय कर लिए थे, इसकी प्रगति देख लिए थे, उद्देश्य भी देख लिए हैं और कार्य भी देख लिए हैं। तो एग्जिम बैंक में लगभग जहां से इतने प्रश्न बनने थे इससे बाहर के प्रश्न नहीं बनेंगे, आप इसको एक से दो बार जरूर देख लीजिए। तो ये रही वीडियो आपके लिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।